आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। पहली खबर, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी। रुझानों के हिसाब से गुजरात में बीजेपी का डंका बजा है और बीजेपी ने अपने किले पर जीत हासिल करते हुए जश्न भी शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में पंजे का दम दिखाई दिया। यहाँ कांग्रेस ने रुझानों के हिसाब से बहुमत हासिल कर लिया है। बता दें कि हिमाचल में 12 नवम्बर को एक चरण में मतदान हुआ था, तो वहीं गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। बता दें कि आज गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजे आए हैं, जहां पर गुजरात में बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है। बता दें कि गुजरात में 1 चरणों में मतदान हुआ था, वहीं 2 चरणों में मतदान हुआ था। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 1 चरणों में मतदान हुआ था, जिसके आज नतीजे आ रहे हैं। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ेंगे। गौरव, गुजरात की बात करें तो रीत या रिवाज कहे, लेकिन जिस तरीके से जीत दर्ज की है, फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। नंदिनी, जो कहा जा रहा था वही यहाँ पर हुआ अभी। और गुजरात में जो लगातार बीजेपी की बादशाह जो चल रही थी, वो बादशाह यहाँ भी चलती रह रही है। और बीजेपी यहाँ पर स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है और बहुमत से ऊपर जाके यहाँ पर फिलहाल जो नतीजे रुझान आ रहे हैं, तो इस बात स्पष्ट करती है कि बीजेपी में जो गुजरात में जो बीजेपी की बादशाहत है, उस पर शायद उसको हरा पाना इतना जल्दी संभव नहीं है। कांग्रेस तो वहाँ पर औंधे मुँह गिर चुकी है। और आम आदमी पार्टी जरूर वहाँ पर बदलाव की बात कर रही, पर आम आदमी पार्टी को भी वो सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी वो उम्मीद लगा रही थी। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी दहाई के आखिरी तक नहीं पहुँच पाई है। तो कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट बताती है कि जहाँ पर रणनीति होती है, जहाँ संगठन होता है, जहाँ काम होता है, जहाँ मेहनत होती है, जहाँ प्रचार होता है, जहाँ सबको झोंक दिया जाता है, वहाँ परिणाम पक्ष में आते हैं। और बीजेपी ने गुजरात में साबित कर दिया है कि गुजरात में बीजेपी को हराना इतना आसान है जितना कि अन्य पार्टियाँ बोलती हैं। हिमाचल की बात करें तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक के रूप में गए, उनके हाथ में ये कमान थी, तो क्या कहीं उसका असर बहुत ज़्यादा दिखा है? जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की है, तो आगे कांग्रेस का भविष्य किस तरफ दिख रहा है? देखिए रंजनी, असर है, प्रियंका गांधी वहाँ गई थी प्रचार करने के लिए, उसका असर है यहाँ पर, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का असर है, ये अलग बात है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बता दूँ कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता रहता है, वहाँ कोई सत्ता जल्दी लगातार नहीं आ पाती। और इसका एक तरीका यही है, जो वहाँ पर व्यवस्था ही जनता जनार्दन का फैसला रहता है कि एक बार कोई सत्ता में रहता है, दूसरे कोई सत्ता में रहता है। पहले बीजेपी थी और इस बार कांग्रेस, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बदलाव होता रहता है। और इसी बदलाव पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। और इसमें ये कहना ज़्यादा नहीं होगा कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वहाँ पर गई थी इसलिए प्रियंका गांधी को वहाँ लाभ मिला है, क्योंकि प्रियंका गांधी की अगुवाई में यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश चुनाव की प्रभारी थी, लड़कियों लड़ सकती का नारा दिया था, 40% महिलाओं को यह वोट दिया था। उत्तर प्रदेश में जैसे 2 सीटें कभी जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये बताते हो कि प्रियंका गांधी का जादू काम नहीं किया है, शायद वहाँ पर जो जनता है उसका अपना जनाधार है, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसी चलते यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन हुआ है। लेकिन बात करें हिमाचल में कांग्रेस की जीत की, तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं ये एक अहम बूस्टर डोज की तरह काम कर रहा है। देखिए नंदिनी, हिमाचल तो यहाँ पर टॉनिक का काम कर रहा है, पर कहीं नहीं गुजरात इनके लिए नुकसानदेह रहा। MCD कल चुनाव के परिणाम आए, वो नुकसानदेह रहा। तो अगर कहीं से आपको खुशी मिल रही, तो कहीं से आपको गम भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कमियां रह जा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनकी अगुवाई में गुजरात चुनाव हार गए हैं, MCD चुनाव हार चुके हैं। और इसके अलावा जो हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव आ रहा है। निकाय चुनाव में आपको अपनी जय पटाखा का लहरानी पड़ेगी, एक अलग कांग्रेस दिखाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह के परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे, तभी कुछ बदलाव करेगी। अगर कहीं ना हम देखें 24 चुनाव में अगर आपको वहाँ पर जीतना है या सत्ता में पहुँचना है, तो उत्तर प्रदेश के रास्ते होकर जाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश फिलहाल अभी कांग्रेस के लिए उतना आसान राय आसान नहीं है, वहाँ मेहनत भी करनी पड़ेगी और संगठन से लेकर बूथ स्तर तमाम परिवर्तन करने पड़ेंगे। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं राजनीतिक करियर में अपनी बढ़त बनाते हुए दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं गुजरात में उसने कांग्रेस का वोट तो काटा ही है।
नहीं, कांग्रेस का वोट काटा है। जब कांग्रेस वहाँ मेहनत नहीं करेगी, राहुल गांधी केवल वहाँ पर दो ही रैली करने गए थे, राजकोट में रैली की थी, सूरत में रैली की थी, वहाँ पर बीजेपी ने अपना प्रचार दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ से गए थे, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तो तमाम बड़े नाम है बीजेपी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे। तो जो लोग मेहनत करेंगे उसका परिणाम उनके पक्ष में आएगा, और जो परिणाम आया वो साफ बताता है कि हमारी पार्टी ने जहाँ मेहनत की थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान हुआ है। और शायद ये विकल्प के रूप में लोगों ने आम आदमी पार्टी को यहाँ वोट दिया है, और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी इससे आगे बढ़ के जाएगी, और गुजरात में आने हो सकता है कि आने वाले समय में जो भाजपा है और आम आदमी पार्टी भी टक्कर हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। दूसरी खबर की बात करें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी नेताजी का जलवा कायम दिखाई दे रहा है। मैनपुरी में सपा ने इतिहास रच दिया है। डिंपल यादव ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रुझानों में सपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। वहीं रामपुर के विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा में कांटे की टक्कर है। रामपुर में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। बात करें इसके अलावा खतौली सीट पर भी रामपुर की तरह माहौल दिखाई दे रहा है। यहां पर भी बीजेपी और सपा आरएलडी में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि आज उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। बता दें आज उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बता दें कि वहीं मैनपुरी में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये लोकसभा सीट खाली हुई थी जहां उपचुनाव हुए थे, जिसका आज नतीजा आया। बता दें डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। वहीं देखा जाए रामपुर की बात करें तो, और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, मैनपुरी में डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। देखिए नंदनी, मैनपुरी का जो ये लोकसभा उपचुनाव था जहाँ पे डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत जो है आज दर्ज की गई है। करीब 2.5 लाख से ज़्यादा वोटों से वहाँ से जीती हैं, और रिकॉर्ड मतों से जो है डिंपल यादव यहाँ से जीतती रही हैं। 1991 से लेकर 2019 तक ये जो समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी, मुलायम सिंह यादव यहाँ से चुने जाते रहे थे। मैनपुरी की जनता उन्हें लगातार हर बार उन्हें अपना प्यार और दुलार दे रही थी, वहाँ से वो लगातार चुने जा रहे थे, लेकिन कभी इतने बड़े मार्जिन से नेताजी खुद नहीं जीते थे। लेकिन इस बार जो 2022 का ही लोकसभा का उपचुनाव हुआ है, तो डिंपल यादव की ये जो ऐतिहासिक जीत है वो दर्ज की गई है, जिसमें नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का जो बात की थी अखिलेश यादव ने, वोटिंग के बाद जो बात की थी डिंपल यादव ने, जो बात की थी शिवपाल यादव ने, कि ये जो उपचुनाव होगा वही सच्ची श्रद्धांजलि होगा नेताजी मुलायम सिंह यादव को। तो मैनपुरी का जो रण है वो समाजवादी पार्टी जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जो है मैनपुरी के दुर को भेदने में कामयाब नहीं हो पाई है, और काफ़ी बड़े अंतर से ये जीत जो है डिंपल यादव ने दर्ज की है। आनंद जी, विवेक बात करें तो मैनपुरी उपचुनाव जीतने के बाद क्या लगता है, नगर निगम में भी सपा का जलवा दिखेगा इस बार? देखिए मैनपुरी में और खतौली में जो सपा और समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो जीत हुई है, तो आने वाले निकाय चुनाव के लिए उनके लिए एक बूस्टर का काम करेगा। जो कार्यकर्ता हैं जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो काफ़ी उत्साहित हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे इसके बाद से, क्योंकि अभी ये उपचुनाव में जो जीत हुई है दो जगहों पे, तो इससे जो है निकाय चुनाव में काफ़ी कुछ अच्छा जो है करती दिख सकती है समाजवादी पार्टी को। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है, नया उमंग है, नया उत्साह है, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार पे सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का, कार्यकर्ताओं पे बर्बरता का, वोटिंग न करने की रामपुर में ऐसी बात हुई थी, तो इस तरीके से कई प्रकार के आरोप जो है वो सरकार पे लगाए थे, और बावजूद इसके वहाँ से उन जगहों पे समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी मार्जिन से जीत रही है, तो कार्यकर्ताओं में एक अलग उत्साह और जोश दिखेगा जो निकाय चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी विवेक, बात करें रामपुर की, तो आजम खां का राजनीतिक करियर दांव पे लगा हुआ था, लेकिन उनका राजनीतिक करियर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए राजनीति में कभी किसी का करियर खत्म होता नहीं दिखता है।
ऐसे कई हमने मामले देखे हैं कि जब बड़े से बड़े नेता कई साल तक जो है पर्दे के पीछे चले जाते हैं और अचानक से पर्दे के पीछे आके अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करते हैं। रामपुर आजमगढ़ आजम खान का गढ़ था और कई बार से वहाँ से वो सांसद विधायक लगातार बनते आ रहे थे। इस बार उनकी विधायिका छीनी गई और किसी और को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद से ये रामपुर का जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। आकाश सक्सेना ने यहाँ पे 34,112 वोटों से जीत हासिल की है। तो अभी ये कहना कि आजम खान का करियर खत्म हो गया, थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, राजनीतिक परिदृश्य से देखें तो ऊँट जो है किसी भी करोड़ पर बैठ सकता है, और ये कहना बड़ी जल्दबाजी है कि आजम खान का करियर खत्म हो चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वो बड़े नेता रहे हैं और आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनको पार्टी नई भूमिका दे सकती है, नई जिम्मेदारी दे सकती है। उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव है, तभी ये कहना काफ़ी जल्दबाजी है कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया, क्योंकि अभी भी रामपुर में उनके समर्थक ज़्यादा हैं, उनकी अपील जो है अभी काफ़ी मायने करती है रामपुर में, तो ये कहना काफ़ी जल्दबाजी है नंदनी। अभी जिस तरीके से मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है, तो क्या बीजेपी किस तरीके से इसको देख सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये दोहरा झटका है, अगर मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे फिर कोई भी प्रवक्ता जो है बात कर रहा था कि तीनों सीटों पर वो कमल खिलाना चाहते हैं, तो फिलहाल एक सीट पे रामपुर में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, अब बाकी दो जगहों पे उसे करारी शिकस्त देखने को मिल गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अलार्म टेक है, ये वेकअप कॉल है, क्योंकि एमसीडी में चुनाव हार चुकी है, हिमाचल में वो चुनाव हार चुकी है, और जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे संतोषजनक तो बिल्कुल नहीं है। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके लिए ये उपचुनाव और बाकी जगह चुनाव एक वेकअप कॉल है, यहीं से उसको संभालना होगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जो है 2024 आने वाले हैं, ये उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी का रहा, और आगे जो समाजवादी पार्टी 2024 के आम चुनाव की तरफ देख रही है, पूरा विपक्ष आम चुनाव की तरफ देख रहा है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की सत्ता से हटाने के लिए देख रहा है। तो ये एक वेकअप कॉल है, और हमने हमेशा देखा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसे वेकअप कॉल मिले हैं उसने बड़ी जोरदार वापसी की है, उसने बड़ी शानदार वापसी की है, तो ये देखने की बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वापसी कैसे करती है। नन्नी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बात करें मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव बंपर जीत की ओर बढ़ रही हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पर पहुंचे थे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल सिंह यादव को दिया और इसी के साथ शिवपाल सपा में शामिल हो गए। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक बार फिर से साथ नजर आए हैं और प्रसपा सपा में विलय हो गया है। आपको बता दें कि प्रसपा का सपा में विलय हो चुका है। बता दें समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले लिए शिवपाल सिंह यादव ने। चाचा भतीजे एक बार फिर साथ हो चुके हैं। बता दें कि सारे मतभेद समाजवादी पार्टी और प्रसपा में खत्म हो चुके हैं, अब सारे एक साथ समाजवादी पार्टी बन चुके हैं। आज जिस तरीके से डिंपल यादव ने ऐतिहासिक दर्ज की है, लगातार शिवपाल सिंह यादव अपनी बहू डिंपल के लिए जनता से समर्थन मांग रहे थे, आज उसी का नतीजा आया है। डिंपल यादव ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके साथ ही अखिलेश यादव उनसे मिलने उनके घर पर पहुंचे। बता दें कि आज समाजवादी पार्टी में प्रसपा विलय हो चुकी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुहानी हमारे साथ जुड़ेंगी। सुहानी, जिस तरीके से प्रसपा आज सपा में विलय हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है ये। जी 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 नंदी, बता दे आपको कि आज एक बहुत बड़ी, जो सपा के लिए एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुआ है, जो कि डिंपल यादव वहां पर रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है, 2,70,000 से एक ऐतिहासिक जीत की है। और वही देखें दूसरी तरफ तो शिवपाल यादव जो देखते हुए अपनी जो उनका पार्टी था वो
जो कि 29 अगस्त 2018 को उन्होंने गठन किया था, अब वो समाजवादी पार्टी में उन्होंने विलय कर लिया है। तो इसे देखते हुए बता सकते हैं कि जो सपा है वो एक बहुत ही अच्छी उनके लिए खबर, एक मजबूती देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पहले भी जो शिवपाल यादव उनकी जो नोकझोंक चल रही थी, बहुत ही एक दोनों लोग एक बात एक दूसरे से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो कि चुनाव उपचुनाव होने वाला था उसमें अखिलेश यादव ने उनसे जाके बात की और उन्हें एक साथ पूरे परिवार को किया और इसमें चुनाव प्रचार किए, जो कि आज इसका पूरा परिणाम दिखने को मिल रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत हासिल किए। दूसरी तरफ बता दें आपको कि शिवपाल यादव को जो कि 2018 से ही नोकझोंक की चल रही थी, लेकिन 2022 में जब चुनाव हुआ तो अखिलेश ने उन्हें एक सीट दी जो जसवंत नगर के, वहाँ पे भी जीत हासिल किए शिवपाल, और उसके बाद भी नोकझोंक चल रही थी, लेकिन उपचुनाव के बाद उनकी गठबंधन हो गया और पूरा जो समाजवादी पार्टी मिलके चुनाव प्रचार किए और आज जो मैनपुरी में ऐतिहासिक जीत हुआ है, कहीं ना कहीं शिवपाल की भी बड़ी एक देखा जा सकता है कि बड़ा हाथ है, क्योंकि करहल में भी मिले हैं सीटें और जसवंत, दोनों नगर मिला के बहुत इनकी जीत ऐतिहासिक जीत देखा जा सकता है। सुहानी, जिस तरीके से चाचा भतीजे की ये जोड़ी उपचुनाव में तो रंग लाई है, क्या लगता है 2024 में किस तरह ये अपना रंग बिखेरेगी? जी मयूरी जी, नंदिनी आपको बता दें कि ये एक भाजपा के लिए एक दिख रहा है कि हाँ ये कठिनाई हो सकती है, लेकिन आपको बता दें कि एक होने पर शिवपाल भी एक बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं और जब प्रसपा और सपा एक हो गई हैं तो कहीं ना कहीं तो एक दिख रही है मजबूती इनके, लेकिन तब भी जब इस तरह से एक मुसीबत भाजपा पहले, लेकिन वो हार नहीं मानी, एक नए तरीके से उभर के आए हैं। तो उपचुनाव जो भाजपा पूरी तरह से कह रही थी कि ये 2024 के लिए एक लिटमस टेस्ट है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है, लेकिन आगे चल के इसको और भी भाजपा इसमें सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन ये चुनाव एक संदेश देती है। साथ ही शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि ये अब भाजपा के लिए एक कड़ी निंदा है और एक संदेश भी है, क्योंकि उन्होंने इस उपचुनाव में जो भी सपाई वोट देने आए उनको वोट देने से मना किया गया, उन पे कार्रवाई किया गया, उन पे केस दर्ज किया गया। तो शिवपाल लगातार ऐसी ट्वीट करे जा रहे हैं और भाजपा पे तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा नुकसान तो हुआ है भाजपा के, लेकिन फिर से वो लौट के आना चाहेगी और 2024 में क्या होगा वो तो अब आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भाजपा फिर से रामपुर में जैसे जीत दर्ज की, और जीत दर्ज कहीं ना कहीं जीत हार होता है, लेकिन पहले से ये था कि वहाँ मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है और मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि में वहाँ जो ये सारे वोट जो मिला है, और यहाँ डिंपल यादव का भी एक तरफ से आप मान सकती हैं, उन्होंने भी घर घर जाके जो चुनाव प्रचार किए उनकी तरफ से भी, लेकिन यहाँ जो जीत है पूरा ऐतिहासिक जीत दर्ज किया गया है। जी स्वानी, क्या अखिलेश यादव ये मान लिए हैं कि जिस तरीके से सपा समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव थे, क्या ये अखिलेश यादव मान लिए हैं कि उन्हें राजनीतिक आगे की करियर में ऐसे संरक्षक की जरूरत पड़ेगी जैसे कि शिवपाल यादव ने अभी उनका समर्थन दिया और उपचुनाव में इतनी बड़ी जीत दर्ज की? जी नंदिनी, आपको बता दें कि ये चुनाव जो था ये पूरे एक समाजवादी पार्टी का पूरा था, क्योंकि जो मैनपुरी है वो मुलायम सिंह यादव का एक गढ़ माना जाता था और अखिलेश यादव को ये भी समझ में आ गया कि जो कि एक संरक्षक के रूप में अगर कोई भी है तो वो है शिवपाल यादव, जो कि बहुत, क्योंकि शिवपाल यादव एक उत्तर प्रदेश के बहुत, या ये कहे कि पूरा एक बहुत अच्छे एक बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, और जो जसवंत नगर से 2022 में जो चुनाव हुआ तो हम भारी जीत हासिल किए थे। तो ये सब देखते हुए अखिलेश यादव को था कि जो भी संरक्षक के रूप में है ये, या ये कहिए कि समाजवादी के पूरा परिवार एकजुट होके, क्योंकि वहाँ के जो जनता थे वो मुलायम सिंह यादव के अपना एक अलग ही नज़र से, एक उनको भगवान की तरह से देखते थे और उनका गढ़ भी माना जाता था। तो ये सब देखते हुए था कि अगर पूरा परिवार एकजुट होकर अगर हम लोग चुनाव प्रचार करें तो अच्छा परिवार मिलेगा, और यही हुआ कि ऐतिहासिक जीत हुआ और वहाँ पर 2,70,000 से डिंपल यादव वहाँ रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। सुहानी, अगर बात करें नगर निगम चुनाव की तो क्या लगता है सपा इसमें भी रंग बिखेरेगी अपना, जिस तरीके से चाचा भतीजे की ये जोड़ी अभी रंग बिखेरते हुए नजर आ रही है, एक साथ हो गए शिवपाल और अखिलेश? जी
जी नंदनी, आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव भी अब शुरू होने वाला है, तो अगर रंग बिखरेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन शिवपाल की जो रणनीति है वो देखने को जरूर मिलेगा, अखिलेश का भी मिलेगा। और दूसरी तरफ जो भाजपा है वो 365 दिन वो लगातार जो चुनावी मुद्दे में रहती है वो भी जोड़ों तोड़ से करेगी, क्योंकि यहाँ उपचुनाव में उसे हार मिली तो वो जरूर चाहेगी कि जो आने वाला 2024 का है इसे देखते हुए निकाय चुनाव उसके लिए बहुत ही खास महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए वो चाहेगी कि इस पर अपनी बढ़त बनाए और पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि मैनपुरी में भी अपना पूरा कोशिश किया था, चुनाव प्रचार किए थे। तो देखा जाएगा कि जो निकाय चुनाव है उसमें शिवपाल यादव की क्या रणनीति चलती है और अखिलेश की क्या चलती है, तो वो तो देखने आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो इस बार मैनपुरी में हुआ है भाजपा का, तो उसका कसर अपना जरूर निकाय चुनाव में निकालेगी, तो ये तो देखने वाली होगी कि निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, बीएसपी इसी हफ्ते पार्षद प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। पहले मजबूत सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होगा, लखनऊ मेयर के दावेदारों पर बसपा मंथन करेगी। प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के साथ बसपा में मेयर के लिए कई दावेदार हैं। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में 6 जगह पर पार्षदों के नामांकन केंद्र बनेंगे। नगर निगम चुनाव के लिए शहर में 6 जगह पर पार्षद प्रत्याशियों का नामांकन होगा। हर 4 वार्ड के लिए एक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुआ है, जिसमें 3 सहायक निर्वाचन अधिकारियों की टीम बनी है। और इस खबर पे हमारे साथ हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ेंगे। रितेश, जिस तरीके से अभी मायावती ने अपना मंथन किया है पार्षदों को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर, इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट आ रही है? देखिए, अभी बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को एक मंडलीय स्तर की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में उन्होंने जब मंथन किया अपने पदाधिकारियों के साथ में, तो ये मामला निकल करके आया कि जो भी मजबूत सीटें हैं जहां वो लगता है कि उनका सीट जीती जा सकती है, उनकी सीट वहां पे वो वोट बैंक है, वो जातीय समीकरण को लेकर के उस तरीके का मंडलीय स्तर पर इन्होंने बैठक की थी। उस बैठक के बाद जो भी इनके सहयोगकर्ता थे उनसे जब इन्होंने बात करी तो उन लोगों ने ये कहा कि जहाँ पर भी ये बनाए गए हैं बूथ, जहाँ पर भी बनाए गए हैं उनका निरीक्षण करें और देखें कि आखिर कहाँ पर हम पहले अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। तो जहाँ पर अभी इनकी जीत दर्ज हो सकती है अभी वहाँ के लिए ये अपने मंडलीय स्तर के लोगों को बोल दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है मायावती की तरफ से कि वो अपना सीटों का क्लियर कर दें, एक सप्ताह के अंदर फिलहाल सीटें क्लियर कर दें, उसके बाद फिर अगली बार जब बैठक होगी उस बैठक में फिर निर्णय लिया जाएगा कि और जो निकाय चुनाव में और जो भी क्षेत्र हैं, जो भी पार्षद प्रत्याशी हैं उनके नाम की घोषणा कैसे की जाए, तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। उसके बाद जब वृहद स्तर पर बड़े स्तर पर जब इनके कार्यकर्ता बैठेंगे तब ये निर्णय ले जाएगा। फिलहाल अभी जो कल की बैठक में ये मामला आया है सामने, वो बसपा सुप्रीमो ने अपने मंडलीय लोगों को यह आदेशित कर दिया है कि जहाँ पर वो सीट जीत सकती हैं वहाँ के प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दें। रितेश, देखा जाए तो जिस तरीके से बड़े चुनाव में तो देखा जाए बसपा कहीं ना कहीं अपने आप को दूर नजर रखते हुए नजर आ रही है, क्या ऐसा नगर निगम चुनाव में दिखा कि उसको जिस तरीके से अभी एक्टिव हो चुकी है? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी को समझ पाना सबके बस की बात नहीं, वो जिधर पलड़ा भारी होता है उधर चली जाती है, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसके लिए, तो जहां उनको फ़ायदा दिखेगा वहां चली जाती है। ये भी आपको पता होगा कि बहुजन समाजवादी पार्टी पर हजारों बार आरोप लग चुके हैं टिकट बेचने को लेकर के, तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक हिसाब से बहुजन समाजवादी पार्टी के पास वही लोग पहुंचेंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का कोष भर सकेंगे, ऐसा आरोप लगाते थे, उनके पार्टी के लोग भी आरोप लगाया करते थे। तो मैं आपको साफ कह देना चाहता हूँ कि बहुजन समाजवादी पार्टी किस तरफ कैसा रुख मोड़ ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अभी जो कल की बैठक हुई, बैठक में साफ कह दिया गया कि जो मंडलीय स्तर के उनके लोग हैं, जो नेता हैं, वो अभी फिलहाल जहां पर जिस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं उस सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान करें, उसके बाद फिर आगे चल के मेयर के लिए भी विचार विमर्श किया जाएगा। क्या इस बैठक से और क्या इस चुनावी रणनीति से ये समझा जाए कि बसपा अपने आप को एक बार फिर यूपी में लाना चाहती है? देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये लगातार आपस में टकरार इनकी होती रही और फिर एक दूसरे में विलय होते रहे,
कभी इन्होंने उनको समर्थन दे दिया, कभी सपा ने बसपा को दे दिया, कभी बसपा ने बसपा को दे दिया, सभी को समर्थन दे दिया। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस तरह का, मैं आपको बताना चाहूँगा नंदिनी की, अभी तो साफ तौर पर ये चुनाव देखा जा रहा है, इस चुनाव में किसी ना किसी तरीके का धांधलेबाजी तो नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी जो ये साफ मैं आपको बता दूँ कि ये मेयर प्रत्याशियों के लिए जो अभी बहुजन समाजवादी पार्टी देख रही है अपने अपने मंडलीय स्तर की जो समीक्षा कर रही है, उसमें अभी देखने वाली बात होगी कि लखनऊ में दो कायस बिरादरी के मेयर प्रत्याशियों के लिए ये सूची जारी कर सकते हैं, या तो एक पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं उनके नाम भी चल रहे हैं और कुछ वैसे समाज के लोगों के भी नाम चल रहे हैं। अब देखा जा सकता है इनमें से किसका नाम ये सूची में डाल सकते हैं। अगर बसपा की बात करें तो देख किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इसको नगर निगम चुनावों को लेकर? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब चुनाव आता है तब बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और उनके नेता दरवाजे पर वोट मांगने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आपने कार्य नहीं किया तो आप दरवाजे पर जाएंगे तो आपको वोट मिलेगा। फिलहाल इनके लिए बहुत बड़ा संकट का समय होगा, इतना आसान नहीं हो पाएगा जीत पाना, क्योंकि जो काम करेगा वही जीतेगा। अब जनता भी इस चीज़ को समझ चुकी है, फिलहाल अब जनता ये बदलाव चाहती है और देखना चाहती है कि जो क्षेत्र में काम करेगा, जो उनके क्षेत्र का विकास करेगा, वहीं पर वो उनका वोट उनका मतदान जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं